तो भाई लोग, इस हफ्ते रिलीज हो चुकी है एक सीरीज जहां पर इंडिया का प्लेन हो चुका है हाईजैक। वहीं दूसरी तरफ एक तेलुगु इंडस्ट्री की मूवी है जहां पर अपना हीरो हर शनिवार को हो जाता है पागल। लेकिन मैं आपको पागल बनने नहीं दूंगा क्योंकि मैं बताऊंगा इनमें से कौन सी है मस्ट वॉच। मैं विष्णु गुप्ता और सिने स्क्रॉल में फिल्मों की चर्चा बार बार होगी। सारी पोड़ा शनिवारम। तेलुगु इंडस्ट्री ने इस बार एक ऐसी फिल्म बनाई है जो एंटरटेनमेंट का एक बहुत ही बड़ा पैकेज है, क्योंकि इस बार थिएटर्स में ऑडियंस हीरो से ज्यादा विलन के लिए तालियां बजाने में मस्त और मगन हो चुके थे। एस जे सूर्या एस विलन। डायरेक्टर ने इसके कैरेक्टर आर्क को इस तरीके से लिखा है कि आपका दिल बोलेगा वाओ, क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम थिएटर्स में मैंने थानोस जैसे बड़े विलन के लिए सीटियां बजाई थी। सूर्या की एक से एक स्लो मोशन और उसका कैमरा एंगल आपका तो दिल जीत लेगी। प्लस ये लॉजिक से भरी एक मास मसाला मूवी है, एक यूनिक और अतरंगी फिल्म जहां विलन 2400 घंटे 24/7 एकदम भड़का हुआ रहता है, जहां जाता है जिसको मिलता है उसको पकड़ के धो डालता है। लेकिन जब जब ये लोगों को कूटता है तब तब अपन लोगों को मजा आता है और बहुत हंसी आती है। इसका पूरा क्रेडिट जाता है सूर्या सर एस करप्ट ब्रूटल पुलिस ऑफिसर, जिसकी कॉमिक टाइमिंग एकदम नेक्स्ट लेवल की है। वहीं दूसरी तरफ अपना हीरो नानी, जो संडे से फ्राइडे तक एकदम गौतम बुद्ध की तरह सीधे साधे सरल लोगों की तरह जिंदगी जीता है, लेकिन शनिवार आते ही इसका दिमाग एकदम से फट जाता है और इसकी पर्सनालिटी एकदम से यू टर्न मारती है। कुल मिला के ये मूवी एंगर इशू और उसके मैनेजमेंट पे बनाई गई है, जहां अपने हीरो को बचपन से एंगर इशू होता है और जब जब इसको किसी पे गुस्सा आता है तो उसके नाम को एक डायरी पर नोट करके हफ्ते के 7th डे पर यानी कि शनिवार को अपने गुस्से के भड़ास को उस बंदे के ऊपर निकाल देता है। और मूवी का बीजीएम तो भाई एकदम फाड़ू। मूवी थोड़ी लंबी है लेकिन क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये देती है एंटरटेनमेंट का एक बहुत ही बड़ा पैकेज। तो जाओ और इस फिल्म को थिएटर्स में जल्द से जल्द देख लो, क्योंकि ये बिना गाली बिना ब्रुटैलिटी और बिना किसी रेप सीन के एक फैमिली फ्रेंडली मूवी है जहां पर आप सबके साथ बैठ के फुल ऑन एंजॉय कर सकते हो। मैं दूंगा इस फिल्म को 4 out of 5 stars। अब बात करते हैं IC 814 हाईजैक वेब सीरीज की। अगर आपने इससे पहले कोई भी हाईजैक वाले वेब सीरीज या मूवी नहीं देखी है तो ये सीरीज आपको पक्का एंटरटेन करेगी, क्योंकि आज के डेट में मुझे ये सीरीज पर्सनली ओल्ड फैशन और आउटडेटेड लगी, जहां मैं लिटरली कुछ सीन्स में बोर हो गया था। ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड कंधार हाईजैक वाले इंसिडेंट को मेकर्स ने एकदम से हल्के में दिखाया है। इसके स्टोरी लाइन में तो बहुत दम है, लेकिन मेकर्स इसके पोटेंशियल को कहीं ना कहीं पुल करने में असमर्थ रहे। मेकर्स ने हाईजैकर को इतना चोमू दिखाया कि भाई साहब डर तो बिल्कुल नहीं लगता। इस सीरीज में आपको नसरुद्दीन शाह, दिया मिर्जा, विजय वर्मा और CID वाले आदित्य श्रीवास्तव के जैसे कई सारे बड़े कलाकार देखने मिलेंगे। मूवी होती तो समझ में भी आता, लेकिन ये तो एक वेब सीरीज है जहां आपके पास टाइम ही टाइम है। मेकर्स अगर चाहते तो इसके स्टोरी आर्क और स्क्रीन प्ले को और भी ज्यादा एलिवेट कर सकते थे, पर अच्छी बात यह है कि इन्हीं बड़े बड़े स्टार कास्ट की वजह से ये स्टोरी लाइन कुछ हद तक ग्रिपिंग लगती है। प्लेन के अंदर का वो टेंशन, वो ट्रॉमा, वो फियर, इन सब में मुझे कहीं ना कहीं कमी नजर आई। लेकिन प्लेन के बाहर के सिनेरियोस जैसे लैंडिंग, हाईजैकिंग, ड्रोन शॉट, ये सब कुछ टॉप नॉच है, जहां देख के पता चलता है कि नेटफ्लिक्स वालों ने इन सब में इन्वेस्ट किया है। 1999 में एयर इंडिया का जहाज हाईजैक होकर कुछ आतंकवादी इसे डाइवर्ट करके कंधार ले जाते हैं और इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ डिमांड रखते हैं। अब इस स्टोरी आर्क में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन मेकर्स ने पूरी तरह से इसे अंडर यूटिलाइज किया है। फिर से बता दूं कि ये वाली हाईजैक सीरीज सिर्फ और सिर्फ बिगिनर ऑडियंस के लिए है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इस सीरीज को देखने के बाद आप एप्पल टीवी पर 2024 की हाईजैक नाम की इस सीरीज को देख ले, जमीन आसमान का फर्क दिख जाएगा। मैं दूंगा इस सीरीज को 2.5 out of 5 stars। आप जान चुके हो कि मस्ट वॉच कंटेंट कौन सी है, तो जाओ और अपने वीकेंड को एंजॉय करो। अगर आपको लगता है कि मैंने आपका पैसा और कीमती समय दोनों को वेस्ट होने से बचा लिया है, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को फॉलो कर दें और जाते जाते लाइक बटन को ठोकते हुए जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।